जब कोई पर्सन या कोई बच्चा शुरू शुरू में इंग्लिश सीखने लगता है तो कई सारे वर्ड्स उसके सामने आते हैं उनमें से एक बहुत ही कॉमन वर्ड है गेट वो गेट का मीनिंग शुरू में सीखता है प्राप्त करना बट अगर कोई बाद में उसे गुस्से में कह देता है कि गेट आउट वो इसका मीनिंग सोचता है कंफ्यूज हो जाता है कि गेट आउट का मीनिंग क्या है बाहर को प्राप्त हो जाओ या बाहर प्राप्त करो क्योंकि उसे ये नहीं पता कि गेट को हम कई सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं आज हम आठ तरीके करेंगे जिससे हमें पता लग जाएगा कि गेट को हम कितने सारे तरीकों से यूज कर सकते हैं सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और कई सारे लोगों तक पहुंच सके सबसे पहले देखते हैं गेट का मीनिंग होता है रिसीव जो बहुत ही कॉमन मीनिंग होता है इट मीन की किसी चीज को प्राप्त करना जैसे आई गोट हंड्रेड रुपीज मुझे हंड्रेड रुपीज मिले आई गोट हंड्रेड रुपीज इसका मीनिंग ये है सबसे पहले गेट की सेकंड फॉर्म है गेट गॉट और थर्ड फॉर्म भी गॉट होती है बट अमेरिका में गॉटन यूज किया जाता है गेट गॉट गॉट ब्रिटिश गेट गॉट गॉटन अमेरिका तो आप अब इसने सेकंड फॉर्म यूज की है गेट गॉट अब अगर ये हैव यूज करता है इसका मीनिंग यह है कि इसने थर्ड फॉर्म यूज की होगी या हम ये कह सकते हैं कि इसने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया होता बट अब इसने सिंपली कहा है कि आई गॉट हंड्रेड रुपीज इसका मीनिंग यह है कि यह बोल रहा है कि मुझे हंड्रेड रुपीज प्राप्त हुए या मुझे हंड्रेड रुपीज मिले कहीं से मिले या किसी ने दिए तो इसका मीनिंग सबसे पहले ये होता है कि किसी चीज को प्राप्त करना जैसे हम कह सकते हैं कि ही गॉट गुड मार्क्स इन क्लास ही गॉट गुड मार्क्स इन क्लास ही गेट्स प्रेज फ्रॉम एवरी साइड उसे हर तरफ से प्रेज मिलती है प्रेज मिलती है तो रिसीव सबसे पहले इसका मीनिंग है रिसीव किसी चीज को प्राप्त करना ही गॉट प्रेज फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द क्लास गोट प्रेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स फॉर स्टैंडिंग फर्स्ट इन द्लास नेक्स्ट है अंडरस्टैंड इसका मीनिंग नेक्स्ट है कि किसी चीज को समझना अंडरस्टैंड आई कांट गेट वोट ही सैड मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने क्या कहा आई कांट गेट आई कांट आई कैनोट गेट मुझे समझ नहीं आ रहा या मैं समझ नहीं सकता वोट ही सैड कि उसने क्या कहा गेट मीनिंग यह क्या है अंडरस्टैंड करना किसी चीज को समझना आई कांट गेट हिज फ्रेंच आई कांट गेट हिस्स या आई कांट गेट शी वींग मुझे समझ नहीं आता वो जो वो कह रही है या आई कांट गेट जर्मन लैंग्वेज आई कांट गेट जर्मन लैंग्वेज नेक्स्ट है ब्रिंग इसका नेक्स्ट मीनिंग है किसी चीज को लाना या फेच करना ब्रिंग मीन्स लाना जैसे कि कई बार हम बोल सकते हैं कैन यू गेट मी सम समोटर कैन यू गेट मी सम समोटर मीनिंग है क्या तुम मुझे या क्या आप मुझे पानी ला सकते हो कैन यू गेट मी सम वॉटर कैन यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वॉटर कैन यू गेट मी सम मिल्क कैन यू गेट मी अ कप ऑफ कॉफी कैन यू गेट मी दैट बुक तो इसका मीनिंग क्या होता है ब्रिंग यानी कि किसी चीज को लाना नेक्स्ट है become, हो जाना या बनना शी इज गेटिंग बेटर डे बाई डे वो दिन भर दिन शी इज गेटिंग अब गेट के साथ हमने इसको हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट किया है और गेट के साथ आईएनजी लगा दी है और इसको डबल कर दिया ऑफ कोर्स टी को शी इज गेटिंग बेटर बेटर डे 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 बाय 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 वो वो दिन दिन के बाद हो रही है शी इज बिकमिंग शी इज गेटिंग बेटर डे बाय डे शी गॉट फैट दीज डेज शी गॉट फैट दीज डेज शी गॉट फैट दीज डेज इन दिनों में वो मोटी हो गई है नेक्स्ट है गेट समथिंग डन अगर आप इसे इस स्ट्रक्चर से यूज करते हो कि गेट समथिंग डन तो इसका मीनिंग ये होता है किसी चीज को करवा लेना यानी कि किसी चीज़ को खुद ना करना गेट यूज किया उसके बाद समथिंग जो करवाया उसके बाद जो चीज़ को करवाया आपने उसकी थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है जैसे कि गेट योर हेयर कट गेट योर हेयर अपने हेयर अपने हेयर क्रो करवा लो कट गेट योर हेयर कट तो उसकी थर्ड फॉर्म भी लगी है यहाँ कट 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 इसकी cut, cut की थर्ड फॉर्म भी कट होती है जैसे कि ही ही गॉट गॉट हिज हिज फूड फूड तो यहां डन की जगह हम बर्फ की थर्ड फॉर्म भी यहाँ लिख सकते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज हुई है शाहजहां गॉट ताजमहल बिल्ट शाहजहां गॉट ताजमहल बिल्ट उसने ताजमहल बनाया बनवाया है ना कि खुद बनाया नेक्स्ट है पजल करना किसी बंदे को पजल कर देना ही गॉट मी देयर ही गॉट मी देयर का मीनिंग होता है कि उसने मुझे वहां पजल कर लिया या सरप्राइज कर दिया या ट्रिक कर दिया ही गॉट मी देयर नेक्स्ट है इन्फेक्टेड जैसे कभी कभी किसी को जुकाम हो जाता है या आई फ्लू हो जाता है जो आजकल बहुत कॉमन है आई फ्लू हो जाता है कोरोना हो जाता है या किसी भी तरह की डिजीज हो जाती है टाइफाइड हो जाती है तो हम वहां गेट का यूज कर सकते हैं आई गोट आई फ्लू फ्लो टूडे आई गोट आई फ्रू टूडे मुझे आज आई फ्रू हो गया आई गोट टाइफ आई गोट स्निफल्ड होनाफल्स इसका मीनिंग क्या है कि मुझे जुकाम हो गया है कैच गेट का मीनिंग नेक्स्ट होता है कि, कि किसी को कैच करना पकड़ना ऐसे प्लीज गुंडो को कैच कर लेती है तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने उन्हें द पुलिस गॉट द पुलिस गॉट हिम टूडे पुलिस ने आज उसे पकड़ लिया या और भी बोल सकते हैं द पुलिस इज नॉट एबल टू तो गेट द थीफ द पुलिस इज नॉट एबल तो टू गेट द थीफ पुलिस थीफ को अभी तक पकड़ नहीं सकी तो आज हमने गेट के जिससे लगभग गेट के सारे मीनिंग्स कंप्लीट हो जाते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव नॉट डन एट And hit the like button. Thanks for watching the video.